नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, भारतीय टीम में दो ऐसे खिलाड़ी एंट्री कर चुके हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप जिताने में बहुत ज्यादा मददगार होंगे। तो कौन है वो खिलाड़ी और कैसे हमारी मदद करेंगे T20 वर्ल्ड कप जीतने में, बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत यह मुकाबला जीते या T20 वर्ल्ड कप जीते, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारतीय टीम के पास दो ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री हो गई है जो कि भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताने में बहुत मददगार हो सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि ये दोनों खिलाड़ी काफी युवा खिलाड़ी हैं और ये भारत को जीत तक ले जा सकते हैं। सबसे पहला जो नाम निकल के आ रहा है वो है सूर्य कुमार यादव का नाम। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव पिछले कई सीजनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे रणजी के मुकाबले हो चाहे वह हो भारतीय टीम के किसी मुकाबले। अपने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक लगाने वाले सूर्य कुमार यादव इस समय भारतीय टीम के सबसे अच्छे मिडलॉर्डर बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस समय भारतीय टीम को चाहिए जो कि 4 नंबर की बल्लेबाजी ढूंढ रहा है। भारतीय टीम 4 नंबर पर T20 में कौन बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि केएल राहुल का एक नाम था, वो ओपनिंग कर सकते हैं। ऐसे में अगर केएल राहुल ओपनिंग करेंगे तो 4 नंबर पर एक खिलाड़ी चाहिए जो कि हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पर बेहद अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वह मुंबई इंडियंस हो चाहे वह भारतीय टीम हो, दोनों के लिए वो लगातार अच्छा करते हुए आ रहे हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव एक खिलाड़ी हो सकते हैं जिताने के कैंडिडेट। दूसरे नंबर पर नाम आता है संजू सैमसंग का। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसंग, यहाँ पे हार्दिक पांड्या की जब से चोट वाली दिक्कत हुई है तब से इंडिया को एक तगड़ा फिनिशर चाहिए, और संजू सैमसंग जो कि आते ही गेम में छक्के चौके से बात करने लगते हैं, और ऋषभ पंत के बैकअप में रूप में इनको लिया जा सकता है। क्योंकि ऋषभ पंत का फॉर्म कब खराब हो जाए, इस समय तो बहुत अच्छी फॉर्म है लेकिन कब खराब हो जाए ये तो पता नहीं चलता। ऐसे में अगर उनका फॉर्म गड़बड़ करता है तो संजू सैमसंग एक बहुत ही क्वालिटी बल्लेबाज हैं, इनको जगह दे सकती है टीम इंडिया, और फिनिशिंग का जो जिम्मा है वो इन्हें दे सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा सिंगल्स डबल में भरोसा नहीं करते हैं, आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में भरोसा रखते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या यह दोनों खिलाड़ी भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं और भारत को T20 वर्ल्ड कप जिता सकते हैं या नहीं, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी लगता है कि विराट कोहली को कप्तानी करनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।